आप लोग को आगे यह दिखाई दे रहा है, यह पानी हमेशा आता रहता है और इधर चला जाता है। और कितने 500 मीटर या 5 किलोमीटर के बाद ये जाके ख़त्म, 5 किलोमीटर बाद जाके ख़त्म हो जाता, पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता। अमरीश ऋषि जो थे यहाँ पे तप किया करते थे, इतना ज़्यादा तप कर लिए कि वह शरीर सहित चले जाते थे हरिद्वार। हरिद्वार से पानी लेके आते थे वहाँ से, और गंगा जी का पानी लेके आते थे और चढ़ाते थे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का। तो माँ गंगा जी प्रकट हुई और पूछे कि क्या आप रोज जाते हैं वहाँ पे लेके आने के लिए? आप एक जितना पानी लेके आए थे आप चढ़ा दीजिए यहीं पे, मैं यहीं पे प्रकट हो जाती हूँ। और उसी समय जब चढ़ाए तब से यहाँ पे प्रकट हो गई, तब से हमेशा यह पानी जाता रहता है और यह आगे जाके 5 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाता है। और यह 1200 साल पुराना है, यह पानी बहता हुआ है, तब से यह पानी हमेशा निकलता रहता है। आगे जाके 500 मीटर के बाद यह ख़त्म हो जाता है पानी। और मैं दिखा दे रहा हूँ जो कुंड है यहाँ पे, और इसी का पानी यहाँ पे पिया भी जाता है। और यह है कुंड जो यहाँ से अंदर से आता रहता है, पानी कभी भी नहीं खत्म होता है, इसी का पानी पिया भी जाता है। यह पानी बहुत ही टेस्टी है क्योंकि यह माँ गंगा का पानी है। पी के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को लगेगा कि हाँ पानी नहीं, तो यह पानी बहुत ही, यहाँ पे सबको यही पानी पीता है हमेशा। उसका पानी आप पियेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, जो फिल्टर का पानी आ रहा है ना वहाँ पे, उसका पानी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसका पानी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यह पानी यहाँ सब कोई पीता है। और कुंड दिखा दे रहा हूँ, देखिए, जय गंगा माता जी, अमर कुंड गंगा जी माता का पाया, यहाँ पर पाया पड़ा, यहाँ स्नान करना सख्त मना। आगे थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पे स्नान भी किया जाता है। और यह है पूरा कुंड, दिखाई देगा कि नहीं आप लोग? और यह है कुंड, देख सकते हैं। और इसी कुंड में से निकलता है पानी, और इसमें मछलियाँ भी डाली गई है। और यह है कुंड, इसमें आने जाने के लिए भी है लेकिन बंद कर दिया गया, कोई जाए ना, गंदगी ना फैले। हमेशा ये पानी अपने आप निकलता रहता है, कई जगह आप देखेंगे कि गर्म पानी निकलता है लेकिन यहाँ पे ऐसे ही निकलता है। तो यह है माँ गंगा कुंड, और यहाँ पे कई कलर की मछली भी है। और यहाँ पे हमेशा कई जगह से लोग आया भी करते हैं, और छोटी छोटी मछलियाँ जाती हैं वहाँ से फिर लौट के चली जाती हैं। उस साइड जो कुंड है उसमें पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन यह पानी हमेशा पीने लायक है। देखिए, भगवान भोलेनाथ का इसमें एक शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ का पास ही में है। और देखिए यह है हनुमान जी, और यहाँ पे पुजारी रहते हैं जो अलग ही रहते हैं, वहाँ पे मंदिर का अलग पुजारी रहते हैं यहाँ का। और यहाँ पे पास ही में हवन कुंड बना है, और देखिए कितना खूबसूरत वो दिखाई दे रहा है।